किससे? बनारस के। किससे? बनारस के। मैं उस कोने में पड़ी रहती हूँ, पहना में वे सफेद सूती की साड़ी, छोटे छोटे बाल और परत दर परत चेहरे पे मेरे झुर्रियाँ। कभी छत के कोने में बैठी रहती हूँ तो कभी घाट की सीढ़ियों में। ध्यान रखना पड़ता है, ये जो मैंने ढाला सफेद साड़ी पहना है, कहीं गलती से भी उसमें कोई दाग ना पड़ जाए। दरअसल दाग जल धुलते नहीं है इन मुलायम मुरझे से सफेद साड़ियों से। बचपन में मैं जब एक दिन बाबा के साथ घाट घूमने गई थी, तब झालमुड़ी खाते खाते मुझे सीढ़ियों में बैठी एक बूढ़ी विधवा दादी दिखी थी। बातों बातों में उन्होंने यही कहा था। तब शायद उतनी गहराई से नहीं सोचा था कि बनारस, बनारस की पुरानी गलियां जहां लाल लाल रंग के कई पुराने घर दिखते हैं, गली की दीवारें गीली सी पुरानी सी, गली का शोर हो हल्ला, लेकिन उसी के बीच उनकी भी जिंदगी और जिंदगी के कुछ पहलू हैं जिसे शायद नया बनारस भूल गया है या नए किस्सों के चलते कहीं खो गया है। वो महिलाएं जिनके कई सपने कई आशाएं गंगा के धारा के साथ कहीं वीराने में बह गईं। The girl grew up on the banks of the Ganga, singing hymns in the praise of the Lord, more out of her habit for the belief he had beguiled them, making wicks for the temples that they revered only from the outside while sitting on the steps and begging. As the twilight came alive with Canadian yellow, shyly attired yogis dancing in tandem with dervish delight, possessed by the rhythmic duet of sonorous bells and dholaks that conjured an ethereal trance, the sea of white slipped into dark anonymity. At night, they took refuge in Basanti's ashram, far from the world, not in distance, but in the very sense of being. But festivals were the only days they didn't celebrate. Brinda felt amputated from the life she had come to accept. Nobody wanted them anymore. Their longevity and prosperity had ceased to be a part of someone's prayers since their heads were tonsured. At a very young age, she had well understood that to be alone and to be lonely are two different things. Wow, beautiful. Last line, Mona, mere man mein एकदम से हिट कर दिया, जो लास्ट लाइन आपने बोला ना, बीइंग अलोन, क्या बोला एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे जो लास्ट लाइन आपने बोला था? यस, एट अ वेरी यंग एज शी हैड वेल अंडरस्टूड दैट टू बी अलोन एंड टू बी लोनली आर टू डिफरेंट थिंग्स। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये एक बहुत बड़ा सच है, अकेले रहना और अकेले हो जाने में बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है। जी, बहुत फर्क है। और ये जो बुक लॉस्ट एंड फाउंड आपने लिखा है, इसमें बहुत अच्छे से ये पूरी जर्नी जो एक विमेन की होती है और कैसे उनके लाइफ में किस तरीके की चेंजेस आते हैं, ये सारा कुछ आपने बहुत खूबसूरती से लिखा है, बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस बुक। तो मोना, लॉस्ट एंड फाउंड इन बनारस जो आपने लिखा, तो आप पहले तो मुझे ये बताइए कि आप ऑथर कैसे बनी, क्योंकि मुझे आपके सोच को देख के और आप जो इतनी गहराई से सोचती है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मन में यही आ रहा है कि ऑथर बनने का ख्याल कैसे आया? ऑथर बनने का ख्याल, बहुत सारे पॉइंट थे उसमें, बहुत सारी चीजें थी। सबसे अच्छा। पहले तो मैथमेटिक्स में मार्क्स नहीं आते थे, तो ये तो समझ में बहुत जल्दी आ गया था हमको कि जो हम कर सकते हैं, आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ, इट हैज टू बी आर्ट। And then secondly, I was very observant even as a child. Like, Achcha. Even if somebody asked me to pen some lines or a poem, I could do a 50-line poem in 1 hour. So I knew that this was my power. मतलब आज का जमाना अगर 2020 की बात नहीं करें, अगर 10 साल 15 साल भी पीछे जाए, तो बुक रीडिंग के लिए घर से भी वो मतलब एनकरेजमेंट मिलता था कि नहीं, बुक रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और
क्योंकि सुविधा एंटरटेनमेंट का जो मेजर है वो बहुत कम था, मतलब बहुत बहुत कम थे। आज हम एक एक बने बनाए टेम्पलेट पर रिलाई करते हैं, आई विल कॉल यू बैक, आई एम ड्राइविंग एंड देन देयर इज एन इमोटिकॉन, बट वी हैव टू ड्रॉप द सेंटेंस टू से आई विल कॉल यू बैक, होप यू डोंट माइंड, यू नो, कीपिंग द इमोशन जी, उसमें वो सेंसिबल टच भी कहीं लॉस्ट हो जा रहा है ना। अगर आप मुझे फोन कर रहे हो और मैंने वो टेम्पलेट भेज दिया तो वो फट से मैंने भेज दिया, लेकिन अगर मैं लिखती हूँ कि मोना आई एम बिजी और मैं थोड़ी देर बाद आपको कॉल करती हूँ, तो वो जो एक टच है, वो एक जो रिलेशनशिप का बॉन्ड है, वो कहीं ना कहीं और इंटैक्ट होता है, भले ही फोन पर बात हो नहीं हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, जो कहीं ना कहीं शायद हम खो रहे हैं। और खोने और पाने की चीजों के बारे में बात करते हैं, तो खोना और पाना सबसे ज्यादा बनारस जुड़ा हुआ है मेरे साथ, क्योंकि आप जानते हैं मैं बनारस की ही जी, बहुत चीजें मैंने खोई भी है बनारस में और बहुत चीजें मैंने पाई हैं। तो बनारस तो मेरा शहर है, मैं वहाँ पे पैदा हुई बड़ी हुई। आपने बनारस को क्यों चुना, आपको क्यों लगा कि बनारस पे एक बुक लिखनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल प्रीति, और मेरे ख्याल से ये वो भी व्यक्ति बोल सकता है, यही व्यक्ति वो मुझसे ये प्रश्न पूछ सकता है जो दिल से बनारसी हो, क्योंकि आप हो, हम थोड़े डाइल्यूटेड बनारसी हैं, क्योंकि मैं हरिद्वार की पैदाइश हूँ, मैं यहीं पैदा हुई थी, यहीं मैंने अपनी एजुकेशन ली, फर्दर एजुकेशन के लिए मैं बाहर गई और फिर यहीं आकर एक मेरा विवाह हुआ और अब मैं यहीं रहती हूँ। लेकिन बहुत लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि बनारस की क्यों, जब तुम हरिद्वार से आती हो तो बनारस के बारे में ही क्यों लिखा? सबसे पहले मैं अपने ऑडियंस को ये बता दूं कि हरिद्वार पर भी किताब आ रही है, क्योंकि रीरोमेनिया जो मेरे पब्लिशर हैं, उनके साथ मेरी ट्रिलॉजी साइन हुई है। अच्छा, बट व्हाई बनारस? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम आई रेड समथिंग समवेयर व्हिच सेड बनारस एक अलमस्त शहर है, एंड ही सेड बधम कभी ना छोड़िए ऐसी काशी धाम, मरने पर तो गंगा मिले और जीते भी लंगड़ा आम। तो बनारस के वो बहुत सारे केसेस हैं। दिस सिटी विच डेट्स बैक टू 800 BC अकॉर्डिंग टू मार्क ट्वेन, आई बिलीव इज सच अ एनरिचिंग, सच अ वंडरफुल एंड एक्लेक्टिक मिक्स ऑफ आर्ट, ऑफ कल्चर, ऑफ एक्सोटिक फूड, ऑफ रिलीजन, ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। ये कहाँ मिलेगा? ये कहीं नहीं मिलेगा, ये वही प्राचीन काशी है जो आपको ये देगी, जहाँ हम डेथ को सेलिब्रेट करते हैं या कहते हैं कि डेथ इज द करेंसी ऑफ बनारस, एज आई हैव रिटन इन दिस बुक, बिकॉज हर व्यक्ति वहाँ मृत्यु के बाद जाता है या मृत्यु पाने के लिए जाता है, जैसे मोक्ष भवन में जाते हैं या मुक्ति भवन में जाते हैं, उसी तरफ ये शहर है जो सेलिब्रेट कर रहा है संगीत को, साहित्य को। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ कि वहाँ कबीर चौरा है, यहाँ किसका घर है? सितारा देवी, शांता प्रसाद, गिरिजा देवी, भारत रत्न दिए हैं उन्होंने, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, पंडित रविशंकर हमको दिए हैं शहर में। ये वो शहर है जो दीपावली के 15 दिन बाद देव दीपावली मनाता है, ऑन अ फुल मून नाइट द देवताज दे फील डिसेंड ऑन टू द अर्थ टू सेलिब्रेट देयर दिवाली। और ये देव दीपावली सिर्फ बनारस में ही देखने को मिलता है, जो भव्यता वहाँ पे दिखती है वो बनारस में ही दिखती है देव दीपावली के टाइम। इसीलिए मैंने बनारस को चुना, ये वो सिटी है, इट इज अ सिटी ऑफ बाबा विश्वनाथ जी, जिसके द्वारपाल भैरव है, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ जैन तीर्थांकर, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस को लिखा था। And yet, after all these celebrations of art and culture and the beauty of literature, this is the currency of this town is still death, because it recognizes, it accepts, and it surrenders to the ultimate truth of life effortlessly. कितने आराम से यहाँ पे लोग मृत्यु को अपना लेते हैं। जी, आप जैसे ये बोल रही है ना, तो सॉरी मैंने बीच में बोल दिया, मुझे आप जैसे ये मुझे नैरेट कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, तो मेरे इमेजिनेशन में पता है क्या आ रहा है, मेरे इमेजिनेशन में आ रहा है एक कैनवस है जिसमें एक कला बनाया गया है, उसमें सारे कलर्स का प्रयोग किया गया, मतलब सब रंगों से भरा गया है, 9 रंग उसमें 9 रंग पूरे भरे गए हैं, उसमें काला रंग भी है, लाल भी है, नीला भी है, सफेद भी है, हरा भी है, और सब रंगों को, सब कलर्स को सेलिब्रेट किया गया है। तो बनारस कहीं ना कहीं ऐसा ही एक कैनवस है जहाँ पे हर रंग आपको मिलेगा। हमारा
I was talking to a photographer friend and I was asking him about his experience in Banaras. And he narrated one event to me, one incident to me, which gave me goosebumps. और जब मैं आपको भी सुनाऊंगी तो मुझे लगता है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने मुझे बताया कि मोना, मैं मणिकर्णिका घाट की तरफ जा रहा था और वो छोटी छोटी गलियों के थ्रू आई वाज सीइंग दैट पीपल वर कैरिंग द कॉफिन ऑन अ रिक्शा। एक डेड बॉडी को रिक्शा पे लेके वो व्यक्ति जा रहा था, रिक्शा वाला, और जो उसकी फैमिली थी, जो वो बॉडी थी, जो वो शव था, जो वो व्यक्ति था, कभी जीवित था, उसके जो परिवार था, दे वर वॉकिंग बिहाइंड द रिक्शा, दे वर फॉलोइंग हिम। तो वो गलियों के थ्रू जल्दी जल्दी चला गया, नेचुरली रिक्शा जल्दी जाएगी और जो परिवार है वो थोड़ा वक्त लेगा वहां तक पहुंचने में गंतव्य तक। व्हेन ही रीच्ड द घाट, द रिवर टोल्ड दैट इट विल टेक सम टाइम फॉर दिस बॉडी टू बी क्रीमेटेड। इसमें अभी वक्त लगेगा। हाँ, क्योंकि वहां तो लाइन रहती है। हाँ, वहां तो ऐसे लाइन लगी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर अब रिक्शा वाला जो है उसको अपने सारे दिन की भी रोजी रोटी करनी है, उसको बाकी दिन की भी मजदूरी करनी है, तो ही वांटेड टू लीव। अब उसने मुड़कर वो पीछे देखता है तो ही डज नॉट सी द फैमिली, द फैमिली इज टेकिंग इट्स टाइम टू कम। ही पिक्स अप द कॉर्प्स, वो शव को उठाता है एंड ही प्लेसेस इट अगेंस्ट द वॉल एंड देन ही मेक्स द कॉर्प्स स्टैंड देयर, टर्न्स हिज रिक्शा, ऑन द वे ही मीट्स द फैमिली एंड सेज, मैंने वो वहां पर खड़ा है, मुझे पैसा दे दो, एंड देन ही लीव। And the family walks up to the corpse, and you know, they people are passing by that standing corpse. They're uncaring, they're unperturbed, they're unaffected. And this photographer was jolted and shook him. Why? Because he was not a Banarasi. Correct. Acceptance बहुत, जैसे कि हम लोग भी जब मैं management की student थी तो उस time पढ़ा था हमने, change एक ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत झकझोर के रख देती है। चेंज के लिए हम लोगों को टाइम लगता है। अगर हमारा एक रेगुलर लाइफ है उसमें कुछ चेंज आ जाता है तो हमें नॉर्मली बहुत प्रॉब्लम होता है। ये लॉकडाउन में बिल्कुल, मैं थोड़ा लॉकडाउन के लिए भी आ जाती हूँ कि अगर लॉकडाउन के टाइम में बहुत लोग हम ऐसे देख रहे हैं जो बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो चेंज जो आ रहा है ना हमारे लाइफ स्टाइल में, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब क्रिएट करता है। लेकिन बनारस का क्या है कि बनारस में एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। बनारस के जो लोग हैं उनमें एक्सेप्टेंस है। मृत्यु जो है, मृत्यु से हम सब डरते हैं, क्योंकि वो बाबा की नगरी है, क्योंकि बाबा हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मृत हो, हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो बनारस के जो लोग भी है वो भी इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। इसी को लेके आपके इसी स्टोरी से रिलेट करके मैं एक छोटी सी स्टोरी अपनी भी सुनानी चाहूंगी। मैं तो वही पली बड़ी हूँ, स्कूल मेरा वही था, कॉलेज मेरा वही था। तो मैं स्कूल से वापस आ रही थी, सोनारपुरा में मेरा स्कूल था और मैं शायद अब 8th 9th में पढ़ती थी। तो मैं अपना बस्ता लेके स्कूल से घर की तरफ जा रही थी। मेरा घर स्कूल से काफी दूर था, BHU साइड में मेरा घर था। तो मैं जब जा रही थी तो मैंने देखा BHU के तरफ से एक लड़का, वो जैसे आपने बोला ना रिक्शा में एक डेड बॉडी लेके एक लड़का, सिर्फ यंग लड़का जा रहा है। ही वाज क्राइंग अ लॉट, शायद उसका भाई था या कोई था जिसका डेथ हो गया था, बस क्राइंग अ लॉट। और देख के मुझे भी बहुत खराब लगा कि बेचारा अकेले जा रहा है एक डेड बॉडी को लेके। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि परिवार के लोग होते हैं, लोग लेके जाते हैं राम नाम सत्य है के नाम से, तो वो बेचारा अकेले लेके जा रहा था। और मुझे ये रियलाइजेशन भी हुआ कि वो बनारस का जो हॉस्पिटल है, BHU हॉस्पिटल है, यहीं से वो डेड बॉडी निकली है और वहां से ही लेके जा रहा था। और ऐसे में वो जो रिक्शा जा रहा था तो वहां पे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम था, वहां पे मैं भी खड़ी हुई थी अपने, वहां होता है हमेशा बहुत ट्रैफिक जाम होता है वहां पे, आपको भी पता है। तो मैं खड़ी थी और हवा का एक झोंका आया तो जिससे क्या हुआ, वो जो एक कपड़ा लपेटे हुए था ना लड़के ने अपने, जिसका भी शव था उनके ऊपर, तो वो कपड़ा हट गया और मैं देख के सोचने लगी कि ये जो डेड बॉडी थी वो किसी बहुत यंग लड़के की थी। तो देख मुझे बहुत खराब लगा कि इतने कम उम्र में ऐसे डेथ हो गया। और ये जो बंदा उसके साथ भी है प्रोबेबली शायद भाई ही था या कोई दोस्त था, वो भी ऐसी कम उम्र का था, 25-26 साल का। देखते ही रहते, मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि कितना परेशान है वो अकेले ऐसे सफर में। ऐसे सफर में हम चाहते हैं कि कोई परिवार का सदस्य हो, कोई दोस्त हो जो हमें सपोर्ट करे। जी, शायद ये बाहर का था, ये बनारस ही नहीं था, शायद हॉस्पिटल में लेके आया था। तो मैं देख रही हूँ वही ट्रैफिक जाम में चाय की दुकान पे कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने भी सेम चीज नोटिस की जो मैंने नोटिस की। तो वो फिर आ गए, आके पूछे कि भैया कहाँ से, कौन जिला। तो वो शायद बता दिए कि मिर्जापुर या कहीं से आए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे बेटा आप अकेले जा रहे हो, चिंता ना करो, हम भी साथ चलते हैं।
लंका पे जो हमारे बनारसी हैं दोस्त हैं वो उनको भी पता होगा, लंका पे ही वो शव यात्रा के लिए चीजें सामान वहाँ पे मिलती है, दुकानें हैं वहाँ से उन्होंने तुरंत दुकान से सामान खरीदा, उस मतलब जो डेड बॉडी का जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो उन्होंने उनको प्रोवाइड किया कि उसको वैसे लिटाया, सारा जो कफन है सब कुछ पहनाया, फूल सब करे, मतलब एक बंदा कफन खरीदा, किसी ने फूल खरीद के लेके आ गए, सारा जो रिचुअल है वो क्या सब लोग उठाए, चारों कंधा उनको मिल गया, रिक्शा से उतारा, चारों कंधा मिल गया, और मतलब कम करके भी 8-10 लोग हो गए, साथी बन गए राह में, और वो चलते गए, और उस लड़के को सबने गले से लगाया जो रो रहा था, उसका भाई था या दोस्त था मुझे नहीं पता, तो सबने गले से लगाया और दोस्ती के साथ उनको लेके गए। तो मुझे लगा जहाँ पे एक सत्य ये था जो आपने बोला, वहाँ पे एक सत्य ये भी है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ कि जहाँ पे लोग जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन फिर जब देखे कि ऐसी शव यात्रा हो रही है तो लोगों ने हाथ बढ़ाया और उसको लेके गए, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा था, कहीं ना कहीं गर्व हुआ था कि मेरा बनारस ऐसा भी है। कमिंग बैक टू योर बुक, ये बताइए बनारस को लेके अगर बात करते हैं तो बनारस में लिखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत बहुत कुछ, तो ये आपको क्यों छुआ, ये प्रोटैगनिस्ट जो आपकी बुक की है वो है वुमन, ये कहाँ से आ गया, कैसे आया और क्यों आया? Women, once for once being a woman myself, right? आज ये देखते हैं कि when you see the plight of other women, sometimes it makes you wonder how fortunate you are to be in a place where we are. We have food, we have the freedom, we have a roof over our heads, we have people who love us, people who respect us, we have profession. Then you look at those widows who are brought to Banaras. They are brought to Banaras from various places. All over the country, and their heads are shaved. जब मैंने ये पता करने की कोशिश की कि इनका हेड क्यों शेव है, तब मुझे ये पता चला कि इनका सिर इसलिए मुंडा जाता है so that they look so unattractive. Exactly, yes. So that they do not induce any carnal desire in any man. मेरे को इतना झटका लगा ये सुनकर प्रीति कि is it a woman's responsibility to look unattractive so that she doesn't get molested by somebody, she does not become the center of attraction for somebody? When will a man stand up and take responsibility for all his own physical sensibility? जब हम लोग छोटे थे बनारस में ऐसे काफी women दिखते थे, videos दिखते थे old age के, जिनको बहुत जल्दी, शायद वो 50 साल के, लेकिन उनके एज ऐसे हो गए कि एकदम झुर्रियां भर गई और एकदम से ओल्ड हो गए वो, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, क्योंकि उनको खाना ठीक से नहीं, और कुछ तो ऐसे फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, आई एम टेलिंग यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस बनारस का, कुछ अच्छे घर के हैं, लाइक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के हैं, बट दे आर स्टिल फॉलोइंग दीस रिचुअल्स। देयर रीजन वाज टोटली डिफरेंट। अच्छा, देयर रीजन वाज आल्सो दिस, दे वर रिनाउंस्ड बाय द मेल प्रोपोनेंट्स ऑफ लॉ एंड रिलीजन एंड इट रिसीव्ड अ सोशल सैंक्शन, दे मेड श्योर दैट दे वर डिस्क्लेमर्स ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी। तो अगर आप एक सम्पन्न परिवार से हैं, तो आपके ऊपर तो और ज्यादा आंख रखी जा रही है, आपको तो बिल्कुल ही ऑस्ट्रोसाइज किया जाएगा सोसाइटी से, बिकॉज यू हैव अ साइजेबल साइज ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी। नाउ दे वर टोल्ड दैट इफ यू सेल दिस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू अस, टू अ जेठ और अ देवर और अ फादर इन लॉ, देन ओनली, एक तो उन लोगों ने इन औरतों की किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने हाथ झाड़ लिए कि तुमको हम दूर भेज रहे हैं, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, प्लस यू आर मनहूस। सेकेंडली, वो प्रॉपर्टी भी अपने नाम करा ली, क्योंकि वो प्रॉपर्टी नाम करा जो दूसरे को देते हैं उसी के पैसे से उनके हस्बैंड का क्रिमेशन हो जाता है। सेकेंडली, उनकी रीमैरिज नहीं होगी अगर वो दूर चली जाएंगी, इसलिए तो रिप्रोडक्टिव रोल वाज आल्सो डिनाइड टू देम। नाउ दे बिकेम वेरी इजी विक्टिम्स एंड जनरल सोशल आईसोर्स। आईसोर्स की जब हम बात करते हैं तो हमें चौकर वाले की बिनोदनी याद आती है, विच ऑल्सो मीन्स व्हाट इज चौकर वाले मीन्स, अ सैंड इन द आई, एन इरिटेंट, एन आईसोर। सो दैट इज बेसिकली अ टेक अवे फ्रॉम देयर रियल लाइफ। सो दीज वुमेन वर द मोर संपन्न द परिवार, वर द मोर इलस्ट्रियस एंड द मोर एजुकेटेड एंड द रिचर द फैमिली वॉज, आपने जब चौकी वाली की बात छड़ी है तो मैं बताती हूँ आपको
ये कवि गुरु ने जब लिखा था इतने सालों पहले उन्होंने लिखा था, तो एक चीज जो मैंने नोटिस की मेरे नजरिए से कि उसमें चोखे वाली जो मेन पार्ट अभिनय करती है, अभी तो फिल्म भी आ गई उसमें, अभी ऐश्वर्या राय बच्चन ने बहुत अच्छा उसमें किया था विनोदिनी का रोल, मेन रोल जी, जी, तो उसमें एक सीन आता है, अगर मैं फिल्म के नजर से बोलूं, बुक में तो है ही, सीन के नजर से बोल रही हूँ तो जिन्होंने फिल्म देखी है उनको ज्यादा समझ में आएगा कि उसमें जो विनोदिनी की फ्रेंड रहती है रियासन, जिन्होंने इसमें एक्ट किया था, तो वो कहती है कि भाई आपने पढ़ाई लिखाई क्यों किया, डू यू हैव एनी आइडिया कि आपने पढ़ाई लिखाई किया था इसलिए आपके हस्बैंड का डेथ हो गया था, आपने इंग्लिश पढ़ा था, यू स्टडीड इंग्लिश इसलिए आपके पति का डेथ हो गया था, तो वो हंसती है विनोदिनी, हंसती कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें बेवकूफ बनाया जाता है, ऐसे बोला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस टाइम की जो महिलाएं थी वो इतनी इनोसेंट थी और एजुकेशन इतना कम था, लैक ऑफ एजुकेशन था, कि एजुकेशन को ही एक तरीके का भूत बनाया गया था कि अगर आप एजुकेशन ऑप्ट करते हो तो आपके साथ ऐसा होगा। यस, टू डिसआर्म द वुमेन, डिसआर्म द वुमेन, और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने आप से एक बात कही थी कि इफ एजुकेशन इज अ टूल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड अ बर्थराइट ऑफ एवरी बीइंग, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डिप्राइव वुमेन ऑफ एजुकेशन, ही रोट इट एट दैट पॉइंट, एंड इवन आई यूज द सेम थिंग, यू नो प्रीति, इन माय बुक मैं एक बात के बारे में तो बहुत पर्टिकुलर थी कि मेरे को बेचारे और वीपी विक्टिम्स नहीं चाहिए थे अपने किताब में, मैं औरतों को उस हिसाब से नहीं पोर्ट्रे करना चाहती थी, इसलिए दे भी जब आप किताब, आपने तो किताब पढ़ी है, लेकिन और रीडर्स भी जब किताब पढ़ेंगे तो दे भी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, शी क्वेश्चंस द सिस्टम, शी क्वेश्चंस द सोसाइटी, एंड शी आस्क्स द संती बुआ कि अगर मैं मर जाती तब भी वो आश्रम में आता, वो भी सिर मुंडा था क्या? Exactly. Right, she questions. And when it comes to Brinda, in the last few chapters, I will not open the story because I want readers to read the book. And Brinda, she takes a very strong stand. Yes. उसको चॉइस दी गई और उसने कहा कि नहीं जी, मेरा जवाब आपके आपको कंप्लाई ये नहीं करेगा क्योंकि अब आप मुझे चाहते हो जी, जब मैंने चाहा था तब क्या हुआ, तब नहीं हुआ, क्या हूँ मैं, जिसे कहते हैं हम, जैसे आज के भी टाइम में मैं कितनी बार फ्रेंड से बातें करती हूँ या और लोगों से बातें करती हूँ, हु आर बेसिकली विक्टिम्स ऑफ दी सोसाइटल प्रेशर, मैरिज प्रेशर एंड व्हाट नॉट, एंड आई सेड ऐसा क्यों है कि जब कोई हमें चाहता है तो हम तो रूम सर्विस हैं, और जब हम किसी को चाहें तो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब साइन हमें बाहर में। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी के साथ मैं अगर बोलूंगी हमारा बनारस भी कब काफी आगे बढ़ गया, जैसे कि आपने भी बोला अब विधवा प्रथा नहीं रहा, अभी इस तरीके की चीजें नहीं होती है, लेकिन वो प्रथा कब कुप्रथा बन जाती है वो हमें समझ में नहीं आता जी, प्रथा से कुप्रथा कब बन गई जैसे पता ही नहीं चल पाया, और जाने जाने में इन प्रथाओं की जड़ें कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसी पकड़ बना बैठी है जी, मॉडर्नाइजेशन जैसे शब्दों के चलते बनारस आगे तो बढ़ गया, लेकिन पुरानी प्रथा आज भी हमारे जहन में ऐसे बसी हुई है कि प्रथा भले ही ना हो लेकिन हम जजमेंटल स्वभाव के ऐसे हो गए कि नारी को व्यथा आज भी देते आ रहे हैं जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल प्रथा शायद नहीं रहा लेकिन व्यथा आज भी नारियों के ऊपर हम जो एक जजमेंटल स्वभाव डाल देते हैं, शायद विधवा है या डिवोर्सी है या कुछ भी है या अकेले सिंगल वुमन है, शायद उन्होंने शादी को ऑप्ट ही नहीं किया, चॉइस ही नहीं किया जी, वो कई माइंडसेट आज भी है, बनारस बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत चीजें होती है, बनारस में मॉल आ गया, शहरीकरण हो गया, बहुत सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया जिसके लिए बहुत अप्रिशिएटेड है। आपकी व्यूज में जानना चाहती हूँ, ये जो मैंने एक एस्पेक्ट बोला कि प्रथा तो निकल गई लेकिन व्यथा आज भी रह गई है जी, तो जिस व्यथा को आप क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे या आप क्या बोलना चाहोगे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये जो एक जजमेंटल सोसाइटी होके रह गई है, और आज भी कहीं ना कहीं बनारस की लड़कियां, मैं आपको एकदम इजी वे में बताऊं तो आज की भी बनारस की लड़कियां, अगर कोई लड़का है और किसी लड़की को पसंद करता है तो ही इज ऑल फ्री, मतलब स्कूल कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ कि ही कैन स्टॉप, वो साइकिल से पीछे जा सकता है, बाइक से पीछे जा सकता है, लड़की को स्टॉप कर सकता है जी जी जी, लेकिन बनारस में स्पेशली मैंने ये चीज देखा है कि अगर वो लड़की ने कभी मुड़ के देख लिया तो नाउ इट्स अ टॉक ऑफ द टाउन हो जाता है जी, क्योंकि लड़की का चॉइस को या मतलब बीइंग अ गर्ल अगर आप चॉइस कर रहे हो, बीइंग अ गर्ल अगर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ जजमेंट कि अरे उसने ऐसे क्यों किया, तो उसको कैसे हम मतलब शहरीकरण जब हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन जब हो रहा है, तो ये मॉडर्नाइजेशन कब आएगा और कैसे आएगा ये आप मुझे बताइए। देखिए होता क्या है प्रीति,
जब भी कोई भी चीज प्रेवलेंट होती है सोसाइटी में तो उसके पीछे चार किस्म के फोर्स होते हैं, राइट? बिल्कुल राइट. मतलब मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, व्यवहारिक और धार्मिक. दीज आर द फोर एंगल्स विच मेक विच प्रोपोगेट एनी बिलीफ इन अ सोसाइटी. लेकिन होता क्या है समाज में, जिस भी चीज को हम टैकल नहीं कर सकते, हम उसको धर्म के धर्म पर उसका सारा उसका दोष मोड़ देते हैं. ये धर्म ये कहता है, धर्म ऐसा कुछ नहीं कहता. बिल्कुल, धर्म कभी नहीं कहता कि आप महिलाओं का शोषण कर. बिल्कुल, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो वहाँ तो देवी की पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है. हम जो भी गलत करते हैं हम धर्म के ऊपर उसका दोष मोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमें सूट करता है. ऐसा नहीं है कि धर्म ने ये बात कही थी, लेकिन हमें सूट करता था कि हम उसे धर्म का जामा पहना दें, इसलिए इट वॉज फाइन. द रीजन वॉज दैट दे बिकेम द डिस्क्लेमर्स ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, दैट वॉज अ प्रैक्टिकल रीजन. देन इफ दे वर सेंट अवे देयर विल बी नो री मैरिज एंड हेंस द रिप्रोडक्टिव रोल विल बी डिनाइड एंड शी विल नॉट हैव एनी हायर. दूसरा प्रैक्टिकल रीजन इनको भेजने का ये भी था कि ये महिलाएं भेजी जाती हैं मथुरा, वृंदावन, बनारस और नवद्वीप में, बिकॉज दे से कि जो यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, दे हेल्प टू काम देम. दे आर अ यंग वेमेन, यस, दे वांट, दे हैव डिजायर्स एंड दे हैव एवरी राइट टू देयर डिजायर्स, दे हैव एवरी राइट टू फॉल इन लव, दे हैव एवरी राइट टू हैव नॉर्मल रिलेशनशिप्स लाइक यू एंड मी एंड आवर चिल्ड्रन एंड क्रिएट फॉर अ नॉर्मल लाइफ एंड इवन अ प्रोफेशन. जो चल रहा है समाज में, हर इंसान के लिए चेंज के खिलाफ खड़े होना बहुत मुश्किल होता है. तो अगर वो ये देख चुकी हैं कि मेरे घर में, मेरे परिवार में या मेरे सोशल सेटअप में अदर वेमेन आर ऑल्सो बींग ब्रॉट टू बनारस एंड दे बींग ऑस्ट्रसाइज एंड नोबडी एवर गोज आफ्टर देम, दे फॉलो देयर डेस्टिनी बिकॉज दे आर टू वीक टू फाइट. दे नाउ डू नॉट हैव द मनी बिकॉज द प्रॉपर्टी हैज बीन पास्ड ऑन टू अदर पीपल इन द फैमिली. दे जनरली डू नॉट इवन हैव एजुकेशन. But now things have changed. लेकिन ये चीजें कब बदली? इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी मोना, ये जो डर जो मन में पैदा रहता है ना, हमारे मन में बसा रहता है कि नहीं हम आवाज नहीं उठा सकते हैं, ये इसलिए भी रहता है कहना कि अगर आपके उसी को जोड़ दिया जाए समाज से और आज के दिन, मतलब आज के जमाने से भी अगर मैं जोड़ू तो लड़कियां कहीं ना कहीं जो प्रताड़नाएं हैं उसको इसलिए सह जाती है कि हमें कोई मिलता नहीं है जो हमें सपोर्ट करे. हम डरे रहते हैं कि हमें बॉयकॉट कर दिया जाएगा, सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट अस. तो क्या होता है कि मैंने एक दिन आपसे चर्चा हो रही थी तब भी मैंने यही बोला था कि इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, तो हमें समाज में ही रहना है. तो अगर ये जो थॉट हमारे अंदर बीच जो बोया गया है ना कि भाई आप ऐसा करोगे तो आप सोसाइटी आपको नहीं एक्सेप्ट करेगी, आप बॉयकॉटेड हो जाओगे, तो वो जो डर है वो बहुत ज्यादा हमें कुछ भी करने से पीछे कर देता है. कहीं ना कहीं अगर वुमेन ही वुमेन को सपोर्ट करे, अगर आप और मैं अगर दोस्त हैं, अगर आप कुछ करते हैं और मैं पीछे खड़ी रहती हूँ और मैं कुछ करती हूँ तो आप खड़े रहते हो, इसलिए नहीं कि समाज है, इसलिए कि आप भी औरत हैं, मैं भी औरत हूँ और हमारी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें. तो मुझे लगता है ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट कर जाएगा, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है. हिंदू रीमैरिज एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन रॉय ने 1856 से इस बारे में मुहिम चलाई थी. बिल्कुल, क्या है कि क्या अगर कोई बच्चा ऐसे किसी के साथ इस किस्म का इफ दे कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ अ बैड लक, इफ डेस्टिनी प्लेज दिस क्रूअल गेम ऑन देम, किसी के साथ ऐसा हो जाता है या दुर्भाग्यपूर्ण कोई विधवा हो जाती है, तो क्या उसको दोबारा शादी करने का हक नहीं है? ये 1856 से मुहिम चलाई गई थी, लेकिन ओनली इन 2006 द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें याचिका दायर की गई थी, और उसके बाद दे टुक स्टेप्स टू प्रोहिबिट दिस कस्टम, दैट इज व्हेन वी वोक अप. एंड यूनाइटेड नेशंस आल्सो ऑन 23rd ऑफ जून 2011 दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल विडोज डे, यस, व्हिच गोज ऑन टू गिव सम क्रेडिबिलिटी, सम रिस्पेक्ट टू देयर स्टेटस इन लाइफ. एब्सोल्युटली, एंड विडोज बेनिफिट्स वर आल्सो लुक्ड इनटू इन आर्टिकल 34 इन 2017. जी, सो after the United Nations intervened and people are now more educated, yes, people are giving so much of love and respect and a welcome when a girl child is born in their household. You have a daughter, I have a daughter, and do we ever exercise any kind of constraint on them? No, never. Exactly. So people are waking up to these things, and we are coming to a generation where the generation believes in logic and questioning. So ye log poochte hain.
तो अभी कहीं ना कहीं हाँ पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आ रही है, चीजों में बदलाव आ रहे हैं। ये बातें ऐसी है कि जितना आप करते जाओ उतना फाइंडिंग्स मिलती रहती है कि अच्छा ऐसे भी हुआ था, वैसे भी हुआ था, और ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई एम श्योर जो सुन भी रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है और उनके मन में भी बहुत सारी चीजें उठ रही होंगी, इरेस्पेक्टिव वो पुरुष है या फीमेल है, नारी है, सबके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव नोट पे मैं इसको खत्म करना चाह रही हूँ कि अभी वक्त काफी बदल रहा है, चीजें बहुत बदल रही है। इनफैक्ट छोटा सा एक और उदाहरण दूंगी जो आपको भी सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक एफर्ट किया था जिसमें कोलकाता में जो विद्वांस की थी, हमारे बंगाली में एक रिचुअल है दुर्गा पूजा के समय दशहरा का दिन सिंदूर खेला होता है, तो वर्मिलियन बात में क्या होता है कि दशहरे के दिन माँ अपने घर जाती है शिव जी के पास। नॉर्मली बंगाली में बिलीव है कि दुर्गा पूजा जो होता है वो दुर्गा माता अपने बच्चों के साथ माई के आ रही है, तो वो जब धरती पे आती है, धरती उनका मायका है, तो यहाँ पे पूरा सेलिब्रेशन चलता है चार मतलब जितने 9 दिन के नवरात्रि जो होता है वो सेलिब्रेशन है कि माँ अपने घर आई है। तो इसीलिए बंगाली में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा नए कपड़े पहनना, घूमना फिरना, मजे करना, खाना पीना, बहुत शोर हल्ला होता है। दशमी के दिन माँ अपने घर जा रही है, अपने ससुराल जा रही है शिव जी के पास। तो उस दिन क्या होता है, जितनी भी औरतें सुहागनी है वो सिंदूर पहनाती है माँ को और माँ की आरती उठाती है, आरती करती है, उसके बाद माँ को विदा किया जाता है। ये सदियों से चला आ रहा है, काफी सालों से ये चीज चली आ रही है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि जिस दिन ये होता था ना, ये दशहरे वाला एक्ट जो होता था उस दिन विधवाओं को एकदम से अपवित्र, मतलब वो गलती से भी नहीं आ सकती, मनहूस माना जाता था, क्योंकि ये सिंदूर प्रथा है, सुहागन की प्रथा है। तो विधवा तो बहुत ऐसी औरतें थी जो एक्चुअली माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त है, और माँ ने, दुर्गा माँ ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि आप विधवा है तो मेरे पास नहीं आ सकते हो, ये बोलते भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, मतलब आई एम वेरी इमोशनल टॉकिंग टू दिस। तो क्या हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये एफर्ट किया और एक नया प्रयास शुरू किया कि दशमी के दिन विधवाएं भी जाएंगी और माँ को सिंदूर लगाएंगी, एंड दे विल आल्सो प्ले, दे विल आल्सो हैव द फन, एंड इवन फॉर होली, तो ये एक बहुत अच्छा शुरुआत है, कहने के बहुत अच्छी शुरुआत है, और कहीं ना कहीं सारी चीजें एक पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रही है। आप जैसे लोग इसके बारे में सोचते हैं और हम सोच रहे हैं, इसीलिए वो बदलाव भी आ रहा है। तो थैंक यू सो मच मोना, तो फिर मिलते हैं किससे बनारस के दूसरे एपिसोड में, राह चलते हैं, फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन, थैंक यू, बाय।